मम्मी ने ये तोड़ दिया। एक दुखती आंख के पीछे दर्द था। और ये जलपरी, हाल तेरे चश्मे पे क्या हो रहा है यार? चुप जाओ, तुम चुप जाओ प्लीज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? सब बहुत बढ़िया है। मैं एक और ब्लॉग, तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। आज के ब्लॉग में जा रहे हैं हम लोग कुछ कराने रिनोवेशन, वो भी स्टूडियो के अंदर। और ये थोड़ा सा एक ड्रीम से रिलेटेड रहा है कि मेरा स्टूडियो इस कलर का होना चाहिए। लास्ट टाइम आप लोग देख रहे हो कि ऐसा कुछ कलर है, लाइक पर्पल टाइप से है, मैजेंटा कलर है। तो सोचा था कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और चेंज करके एक बिल्कुल ड्रीम स्टूडियो टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको सारा रिनोवेशन दिखाने वाला हूँ स्टूडियो का, कि कैसे कैसे रिनोवेट हो रहा है, कैसे कैसे कलर हो रहा है और क्या क्या सारा वर्क होने वाला है, कैसे सेटअप लगने वाला है, सारी चीज़ सब कुछ चेंज रहेगा। और हमारे साथ वर्क करने वाले थ्री आर्टिस्ट और एक फोर मैन, तो चार आर्टिस्ट लगातार कंटिन्यूस वर्क करने वाले हैं अभी स्टूडियो में, हार्ड वर्क होने वाला है। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं स्टूडियो के रिनोवेशन। और अभी चल रहा है पेंट वगैरह और अंदर चल रहा है सारा प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ इधर उधर रखा जा रहा है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अभी कुछ फैला हुआ है इस तरीके से, इधर सारा काम वाम चल रहा है। ये देख रहे हो टूट फूट, यहाँ आप लोगों को पता होगा यहाँ एक आई लगी होगी, वो आई के पीछे ये चोट थी, मतलब एक दुखती आँख के पीछे दर्द था। तो ऐसा कुछ। और इधर अमन कर रहे हैं सोफे को पूरा कवर। अमन से हाय, कैसे हो अमन? बढ़िया, हार्ड वर्क कर रहे हो ना, बढ़िया से पूरे कूल है। और ये जलपरी, जलपरी लेटी है गाइस, जलपरी से हाय क्या। अब करो से हाय। सो गाइस अभी इधर पूरा, इधर सारा हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह था, इधर सामान रखा है ये सारा। और ये कौन उतारेगा, ये कौन उतारेगा? अभी मैं चल के लेके चलता हूँ आपको अंदर। अंदर सारा सामान हमने इस वाले रूम में कलेक्ट कर लिया है जो सार्थक का ड्राइंग रूम था। और ये सारा इधर स्पीकर्स वगैरह, बोतल वगैरह सारे कुछ रखा है। और इधर हमारी सारी पेंटिंग्स रखी हैं गाइस, सारा पेंटिंग्स वगैरह, इतना सारा कलेक्शन गाइस हमने अभी बनाया है। और बहुत कुछ रिन्यूएट कराने वाले हैं इस वाले स्टूडियो में, अहो आप लोगों को पसंद आएगा बिल्कुल। आप ऐसे इस दीवार को कितनी मुश्किल, भूमि ने ये तोड़ दिया। तो ये तोड़ना थोड़ी ना था, जाओ पांड्या थोड़ा अखबार करवा दो, टेपिंग खुद कर लेंगे। सो गाइस अभी तो पेंट का काम चल रहा है और इधर पांड्या कर रहे हैं मेहनत, और पूरा अच्छे से पूरा डेकोर से लेकर के सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्या डेकोरेशन करेंगे, कैसे कैसे हमारा आर्म स्टैंड आएगा, कैसे कैसे अभी वॉल्स पे अभी कुछ कैलीग्राफीज वगैरह होनी है, सारी चीज़ें होनी है। और ये लाइट्स वगैरह में भी हम चेंज करा सकते हैं बीच में ना वो। क्या कर रहे हो पांडे? इधर कर दिया है मैंने सोफे को पूरा ब्लैक पर्दे से कवर। और अबे अमन की बद्दुआएं मत लो। अबे नहीं यार, मैं भी तो कर रहा हूँ इधर सोफा। अमन कुणाल तो बहुत मेहनत का काम कर रहा है। अबे पगली जान नहीं है पक्का, रोटी नहीं बनी तो कुछ नहीं होगा। मतलब यार मैं थोड़ा सा बुरा लग रहा हूँ और इसमें सही लगूंगा। देखो बाल कौन सा देख रहा है कोई अभी? अरे यार तुम बालों में धूल वूल घुसे यार, चुप जाओ तुम, चुप जाओ प्लीज प्लीज, शट योर माउथ। यहाँ कुणाल ला रहा है गमला, और फटी पड़ी है कुणाल। कुणाल तुमसे वो शीशा तो उठ नहीं रहा था, गमला रखो बेटा, हल्के से टच करके रखना बस। कुणाल तुम्हें एक चैलेंज है, इसे घिसकाना है इन्वर्टर, एक हाथ से घिसना। ओ ओ ओ सही से सफाई करो। ये हो गया आदमी हमारे स्टूडियो में, ये ना ये मेरा बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड दिखाऊंगा। एंड टांगे, पैंट में टांगे तो डलवा लो कम से कम। ओ पानी पानी तो ओ
इसका वो तो देखो पूरे हैंगर पे कपड़े हैं ये सार्थक इज कमिंग। सार्थक से हाय। सार्थक कैसा लग रहा है अभी सब अंदर आके? सार्थक आके सीधे अपने दोस्त से गले मिलते हुए So guys, पूरे दिन की मेहनत के बाद अभी स्टूडियो का हो चुका है पूरा कलर चेंज और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको स्टूडियो कैसा लग रहा है और प्रॉपर हो चुका है ब्लैक और इधर येलो लाइटिंग वगैरह। लाइटिंग तो अभी सबको सेम ही है और बाकी अभी पेंट का काम चल रहा है। चेक करो एक एक बॉल एक एक गेट सब कुछ ब्लैक हो गया है। सब कुछ ब्लैक ब्लैक और देखो ब्लैक पे गोरा सा लड़का कैसा लग रहा है। अमन देख रहा है घोर के कि मैं भी तो गोरा हूँ। तो भाई चलो अभी देखते हैं और दिखाता हूँ सारा फैलावा वगैरह और आर्म स्टैंड वगैरह थे वो भी बन के आ चुके हैं और रात हो चुकी है। बाहर बाहर हो रही है बारिश और मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। ये तो चलो अभी देखते हैं गाइस। पहले का तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी मैं दिखाता हूँ इधर से पूरा सब कुछ विद फिनिशिंग। वाओ यार लिटरली लुकिंग गुड। और इधर हमारा काउंटर रहा है हर बार की तरह और ये हमारे आर्म स्टैंड बन के आ चुके हैं प्रॉपर। तीन और आर्म स्टैंड आ चुके हैं और ये पूरा सोफे का कवर क्या हालत हो गई है। और ये दीवारें पूरी जो थी वो सब प्रॉपर ब्लैक हो चुकी हैं। और ये खड़े हैं बाबा और ये खड़े हैं अमन। अमन यार लिटरली तुम भी गोरे लग रहे हो यार ब्लैक मतलब हो ही गोरे। अरे मतलब बाबा हाँ तुम भी हेलो कर रहे हैं। और इधर चलिए साफ सफाई थोड़ी सी। गज्जो क्या कर रहे हो? से हाय गज्जू ने दो तीन बार हाय कर चुके हैं ब्लॉग में। और इधर फैला हुआ है पूरा सामान और ये वाला गेट भी पूरा हो चुका है। अभी सार्थक का रूम अंदर का रह गया है वो कभी फिर कभी और कराएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ प्रॉपर स्टूडियो का कैसा चेंजेस हुआ। अरे इसे और ये आ गए कुणाल। गाइस न्यू स्टूडियो में कुणाल। अबे भाई सभी गोरे लग रहे हो। ब्लॉग बनाना शुरू कर दो भाई सब। तू भी अपना कुणाल तेरे चश्मे पे क्या हो रहा है? So guys, अभी रात के बज चुके हैं 8:30 और अभी कंटिन्यू मतलब पेंटर वगैरह खुदाई करके सब जा चुके थे। हमारी हालत देखो बात इतने मेसी एयर्स हो रहे हैं मतलब क्योंकि सब धूल में हो चुका है एयर फिनिशिंग वगैरह। और अभी इधर हम कर चुके हैं अपनी वॉल पे टैटूज को फिक्स। अब आप लोगों को पसंद आ रहे हुआ ये मतलब पूरी ब्लैक वॉल है और इस पर कुछ इस टाइप से हमने टैटू और स्केचिंग का मिक्सअप करा है लाइक ब्लैक और वाइट कलर से। इसका पूरा टचअप मतलब लाइक पूरे थीम रखी है इस टाइप से। अभी और सर्टिफिकेट्स का इधर सर्टिफिकेट्स लगेंगे मेरे और इधर अभी टैटूज वगैरह एंटर होते ही इधर अमन। और गाइस इधर पूरा फैला हुआ है स्टूडियो। अभी लाइक अभी मुझे लगता है कि हमारा पूरा रात इसी में जाने वाला है जो कुछ भी रहेगा। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 11:15 और अभी तक हमने कोई डिनर भी नहीं कराया मतलब दोपहर में लंच करा था थोड़ा सा। और स्टूडियो के पूरे रिनोवेशन चल रही है। पागल हो चुका हूँ पूरे बाल हेयर देख रहे हो आप लोग। और बेचारा अभी कुणाल हमने कुछ ऐसा रिनोवेशन करा है। कुणाल बेचारा अभी साफ सफाई कर रहा है बाहर के मिरर की। और ऐसे अमन गए हैं अभी कुछ और लेने खाने पीने के लिए और कुणाल इधर कर रहे हैं मिरर साफ पूरा। वाह कुणाल मौज कर दी भाई। फाइनली सारी मेहनत मतलब वसूल हो रही है और अच्छा लग रहा है मतलब अब व्यू और हमारी कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है। तो ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहो। यूट्यूब से बहुत सारी होप्स हैं आप लोगों से बहुत सारी होप्स हैं। और मॉर्निंग में सब इधर ही हुए थे स्टूडियो पे और मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था कुणाल के आनंद। और ये अमन सब अभी भी नींद में उठ जा भाई। ओए कुणाल कुणाल अब मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि भाई सब ओए सफाई होनी है। 11:00 बज गया अपॉइंटमेंट भी है अपनी।